बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में पानी के संकट से पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पानी को संकट के दूर करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैठक करने के लिए निर्देश दिए हैं, संबंधित राज्यों को 5 जून को बैठक करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें केंद्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दिल्ली सरकार मिलकर बैठक करेंगे। यमुना रिवर बोर्ड भी बैठक में शामिल होगा। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। तो ये पूरा मामला है राजधानी दिल्ली जो कि इस वक्त पानी के संकट से जूझ रही है, और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई क्योंकि दिल्ली सरकार ने मांग की थी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे, क्योंकि उनका कहना है, उनकी दलील ये है कि अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी और उसकी वजह से पानी की डिमांड बहुत ज्यादा हुई जो कि दिल्ली में पूरी नहीं हो पा रही है। और इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ सुमित जुड़ गए संवाददाता। सुमित, इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो तमाम राज्य आपस में बैठकर निर्णय करिए और उसके बाद अब 6 जून को अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल पलक, देखिए दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया है कि वो दिल्ली को हरियाणा के रास्ते पानी देने को तैयार है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्देश दिया है कि जो संबंधित राज्य हैं उसके साथ एक बैठक बुलाई जाए। केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक बैठक बुलाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बैठक 5 जून को बुलाने को कहा है। और 6 जून को इस बैठक में जो पानी को दूर करने के लिए जो समस्या है, उस जल संकट को दूर करने के तमाम उपाय जो हैं वो सुझाए जाएं, और एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून तक मांगी है। और 6 जून को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि बैठक में इस बात पर विचार हो कि दिल्ली वालों को कैसे जल संकट से निजात जो है वो दिलाई जा सके। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि हरियाणा के नहरों के रास्ते वो दिल्ली को पानी देने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है और ये कहा है कि दिल्ली में पानी की बर्बादी एक अहम मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में 52% पानी की बर्बादी होती है, जिसमें टैंकर माफिया और जो उद्योग हैं वो पानी की चोरी करते हैं। बहरहाल अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम बयान सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि वो दिल्ली को पानी को देने के लिए तैयार है। तो कल ही बैठक होनी थी लेकिन कल खासकर रिजल्ट आने वाले, नतीजे आने वाले हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 जून को बैठक बुलाई जाए और 6 जून को जो बैठक में जो नतीजा निकलता है वो हमारे सामने रखा जाए। तो 6 जून को एक अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जा सकता है और जल्द ही दिल्ली में जल संकट जो है वो भी दूर हो सकता है। क्योंकि सुमित इसमें हमने देखा सुमित किस तरीके से दो फाड़ भी नजर आए। आम आदमी पार्टी की अपनी दलीलें हैं, बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गर्मी ज्यादा पड़ गई, पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन बीजेपी की अपनी दलील इसमें यह है कि आपने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की। तो इसमें भी क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है। देखिए, जब भी गर्मी पलक आती है तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ती है। लेकिन एक नया दिलचस्प मामला आज इस लिहाज से आया है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ जो गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कही है। और उसका ये कहना था कि वो हरियाणा में नहरों के रास्ते दिल्ली को पानी को देने को तैयार है, ये आज हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। तो बैठक में जो नतीजा निकलेगा वो एक सकारात्मक हो सकता है क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने को तैयार है। तो 4 राज्यों के साथ केंद्र सरकार के साथ बैठक जो है वो अपर यमुना रिवर बैठक करेगा और बैठक का जो नतीजा है वो सुप्रीम कोर्ट को 6 जून को सौंपा जाएगा और 6 जून को ही सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर।